जैसे अभी हमारे घर पे कोई साहब आए थे, बड़े भारी महान गुरु अपने को बना करके, और मुझसे कहने लगे कि माता जी आपके तो घर में सब चीजें हैं और आप तो बिल्कुल साधारण गृहिणी जैसे रह रही हैं, तो आप कैसे परमात्मा की बात करें। मैंने तो ये त्यागा, मैंने तो वो त्यागा, मैंने तो ये छोड़ा। मैंने उनसे कहा कि वाकई अगर तुम त्यागना जानते हो तो तुम ये भी जान लो कि इसमें से जो भी चीज़ तुम सोचो कि मेरे प्रभु के चरणों के धूल के बराबर भी, उसके कणों के भी बराबर हो, तुम उठा के लो, लेकिन तौलना बराबर। इधर उधर देखा उन्होंने, ये वो देखा, इसके बाद सच पका गए। मैंने कहा क्यों, कोई चीज़ नहीं मिली? मैंने उसके बराबर तो कोई नहीं है। फिर मैंने कहा उनसे कि तुमने छोड़ा ही क्या बेटे, तुमने क्या छोड़ा जिसका झंडा सुबह शाम घुमा करके और काषाय वस्त्र पहन करके और ये सर में बाल मुड़ा करके और दुनिया भर में चिल्लाते फिर रहे हो, क्या छोड़ा तुमने? यही पत्थर, ये मिट्टी। असल में सहयोग इसीलिए घर गृहस्थी में बैठे हुए साधारण लोगों में ही पला, जो अपने झंडे गाड़ते हैं उनमें कभी भी सहयोग नहीं आता। जो लोग सहज सरल भाव से रहते हैं, परमात्मा के दिए हुए ऐश्वर्य में, उसके आनंद और सुख में सहज से प्रेम पूर्वक रहते हैं, ऐसे ही लोग, ऐसे ही मध्य स्थिति के लोग परमात्मा को पाते। गुरु का मतलब अब आपको समझना चाहिए कि जो लोग काषाय वस्त्र पहन करके पैसा इकट्ठा करते हैं वो लोग कभी भी गुरु नहीं हैं। जिनके पास टूटी हुई साइकिल थी और आज इम्फाला में घूम रहे हैं वो कभी भी गुरु नहीं हो सकते। जो आदमी परमात्मा को पाया हुआ है वो चाहे जमीन पे सो जाए और चाहे वो महलों में सो जाए, आराम से। इसके लिए जनक राजा का मैं आपको एक उदाहरण। जनक राजा के पास में नचिकेता करके एक बड़ा भारी आर्क गया था। पहले तो वो शंका से व्याकुल था, उसने अपने गुरु से कहा कि ये एक गृहस्थ में है, ये राजा है, इसके यहाँ तुम क्यों जाते हो, इसके आगे तुम क्यों झुकते हो, इसके चरण क्यों छूते हो, ये तो गृहस्थ की आदमी। तो उन्होंने उनको कहा कि अच्छा तुम राजा जनक के यहाँ जाओ और उनके यहाँ, आप जानते हैं कि उनको विदेही कहा जाता है, देहाती। नचिकेता जब उनके साथ जाके रहा, उसने देखा कि यहाँ इतना ऐश्वर्य है, इतना पैसा है, लोग बाग खाना पीना खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, राजा सब खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बाल बच्चे हैं, ये आदमी कैसे हो सकता है परमात्मा को जाने। दूसरे दिन उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, अभी इसी वक्त मैं चला जा रहा हूँ, मुझे यहाँ रहने का नहीं। कहा अच्छा चलो पहले नहाने तो चलो, नदी पर नहाने जाए। उनको अपने साथ सरजू नदी पर नहाने ले गए। नदी में नहाते वक्त एकदम से किसी ने आके बताया कि हे राजा तेरे तो घर में आग लगी, रजवाड़े में सारी आग लगी हुई। राजा जनक ने कहा कि लगने दो, अभी तो मैं ध्यान में हूँ। हंस के कहा, जरा घबराए। उसके बाद लोगों ने कहा कि सब तुम्हारे घर वाले भाग गए, आग तुम्हारी तरफ आ रही। तो उन्होंने कहा जाने दो, अभी तो मैं ध्यान में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई आग यहाँ तक आ गई, तुम्हारे जो बाहर आभूषण और वस्त्र पड़े हैं ये भी चले जाएंगे, वहाँ जो रक्षक थे वो भी भाग गए। तो ये नचिकेत जो अंदर नहा रहे थे उनके एक दो जो कपड़े बाहर पड़े हुए वो उन्होंने सोचा अगर ये जल जाए तो मेरा क्या हाल होगा, तो भागे बाहर उन्होंने अपने कपड़े पकड़े। तो भी ये ध्यान में मत। जब ये लौट के आए उसको बड़ा आश्चर्य, तो उसने उनसे पूछा कि राजा आपको कोई चिंता नहीं कि आपके कपड़े आदि सब कुछ जल जाते और फिर आप क्या ऐसे ही घूम? तब उन्होंने कहा जो मिथ्या है वो मिटने ही वाला, तो कोई बचाने की ज़रूरत नहीं, जब तक है रहने दीजिए और नहीं है तो जाने। यही बात जो गुरु मिथ्या को मिथ्या नहीं समझते हैं उनके पास आप क्या ढूंढने जा रहे हैं? हमारे ससुराल में एक किस्सा है कि एक बार ऐसा हुआ कि कोई बराती आए और बरातियों ने कहा कि हमारे ये कुछ आप ऐसी व्यवस्था करें कि हम दही बारात खाएं। बारातियों के ज़रा नखरे होते हैं और जाड़े के दिनों में लोगों ने कहा कि भाई इस वक्त दही बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाड़े में दही बड़ा शाम के वक्त बनाया नहीं जाता, कब हम तो दही बड़ा खाएंगे, अब इसी वक्त लाइए आप दही बड़ा। तो एक बाबा जी
वहाँ रहते थे उनका पता चला। उन्होंने बाबा जी बुलाया कि भाई आप किसी तरह से इंतज़ाम करो। तो कभी मैं मंगा तो दूंगा लेकिन उसके बाद मैं रहने वाला नहीं। कहते ठीक है मंगा दीजिए। उन्होंने एक खिड़की बंद कर ली, दूसरी खिड़की बंद कर ली, दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके बाद कहा कि देखो आगे आपका दही बड़ा खाई। वहाँ सब दही बड़े आ गए, लोगों ने दही बड़ा खाना शुरू कर दिया। बड़े खुश हुए, बाबा जी भाग रातों रात बाबा जी जान बचाकर भाग। लोगों को समझ नहीं आया कि बाबा जी क्यों भागे। दूसरे दिन सवेरे वहाँ मांग लोग होते हैं, एक शूद्र जाति होती जो आती है और खाना वाना सब बटोर कर ले जाए। वो आए और उन्होंने देखा बर्तन वगैरह को, कहने अरे हमारे कुल्हड़ कौन उठा के लाया, फिर तो हमारे कुल्हड़ थे ये कौन उठा के लाया। वो जो विवाह था संपन्न तो हुआ था, इससे लड़की विदा हो गई, नहीं तो कोई लड़की को भी विदा नहीं कर। वजह ये थी कि सब लोग बहुत नाराज़ हो गए, कहने लगे कि ये कौन लेकर के आए, हमारे पूर्वजों में समझ लीजिए हमारे पिता के ही थे, लोग इन सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते थे। इसे भानामती कहा जाता था महाराष्ट्र में पहले। ऐसी चीज़ों में कोई भी विश्वास नहीं करता था कि ऊपर से कुछ चीज़ चली आ गई और उन्होंने दही बड़े खा लिए। अब क्या परमात्मा को कोई और धंधा नहीं दही बड़े खिलाने के सिवा? आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों को दही बड़े खिलाने का ही उनको एक धंधा बचा हुआ। जब आप किसी को इसलिए गुरु बनाते हैं कि वो आपको 200 रुपया पकड़वा देते हैं, मैं कहती हूँ ऐसे ही दाता लोग घर हैं तो इस देश का इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दीजिए, सबको दीजिए। घड़ियाँ मंगाते हैं स्विट्जरलैंड से बनी हुई, एक भगवान से बनी हुई घड़ी मंगा दें तो मान ले बा। इस चीज़ को सोच लेना चाहिए कि हम लोग उसी सुप्रीम को पाना चाहते हैं, उसी परम को पाना चाहते हैं, पर आपकी भी तो खोज इन्हीं जड़ वस्तुओं में, इन्हीं पत्थरों में है, इसीलिए आप इन लोगों को गुरु माने। रुपया भी जाता है, पैसा भी जाता है, जब आपका सब पैसा निकल जाता है तब आप मेरे पास आते। कल ही एक भी आई थी, आपने देखा था किस तरह से नाच रही थी कूद रही थी। मैंने कहा आप क्यों आई भाई? कहने लगे क्या करें आपको हम ऐसे हो गए। मैंने कहा अच्छा है, लोग पागल तुम्हें बनाए और पागल खाना मैंने खोल रखा। तू वहाँ क्या खोजने गई? क्या नाचने कूदने से परमात्मा मिल सकता है? हमारे मानव के जितने भी कायदे कानून बने हैं उसमें उन लोगों को इसका अंदाज ही नहीं है कि मनुष्य कितना घृणित हो सकता है। जिन्होंने भी बनाए हैं बहुत शालीन और अच्छे शुभ लोग थे, उन्होंने उस घृणता को और उस दुष्टता को पहचाना ही नहीं कि मनुष्य अंदर से कितने गंदे कामों में फंसा हुआ। अगर वो लोग जान जाए तो नए कायदे बनाने पड़ेंगे इन लोगों को सबको पकड़ने के लिए। ईसा मसीह को तो इन्होंने उठाकर सूली पे चढ़ा दिया, तो आसान था, लेकिन इन लोगों को तो कोई पकड़ ही नहीं पाता जो रात दिन आपसे रुपया खसोट करके और आप लोगों का सर्वनाश करने पर लगे हैं और कल आपके बच्चों को पागल खाने में भेजने के लिए तैयार बैठे हुए। कभी आप लोग इधर भी आँख उठा कर दिए और सोचिए कि ये क्या है? परमात्मा के नाम पर जड़ वस्तुओं को बांटना, कहाँ की भलमानसियत? आप भी क्या कभी सोचते नहीं? कलयुग में तो मैं सोचती हूँ कि मनुष्य के पास इतनी प्रगल्भ बुद्धि है, इतनी उसके अंदर सूझबूझ है, क्या वो सारी अपनी बुद्धि को बेच खाता है कि वो समझता नहीं कि ये एक तरह का मेस्मरिज्म है और एंटाइटमेंट है जिसकी वजह से हम ऐसे पागल जैसे उसके पीछे भाग रहे और अपने अंदर झूठे बिल्कुल मिथ्या ही विश्वास अंदर में करके कि हम बड़े शांति में बैठे हुए हैं, अपने से भी बुलावा कर रहे हैं और दूसरों से भी बुलावा कर रहे हैं। जब आप रियलाइजेशन हो जाता है तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि आप रियलाइज, इसमें आप में एक जरा अंदर से शांति। मैं देखती हूँ कि इतने लोगों के गुरु हैं और 30-30, 40-40 साल में हार्ट अटैक आकर के लोग मर जाए। असंभव की बात है अगर आप में रियलाइजेशन का ज़रा सा भी तत्व एक बार जाग उठा है तो हार्ट अटैक तो क्या कोई एक्सीडेंट भी होना मुश्किल है। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे अंदर है कि छोटा सा लड़का अभी परसों बता रहे थे कि ट्रेन से आ रहा था और ट्रेन पूरी उलट गई। जिस डिब्बे में वो बच्चा था उसमें से एक भी आदमी को चोट दी और वो पार बच गया। आपके ऊपर देवता मंडराना चाहिए, अगर डिब्बे नहीं उतर सकता तो ऐसा रियलाइजेशन क्या? अब हमारे ही लोग आप जानते हैं कितने ही पार हुए हैं कैंसर तक की कर, कोई विशेष बात नहीं, कोई विशेष हमारे ख्याल से बात नहीं, सिर्फ यही है कि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है किसी को क्योर करने में, उनको रियलाइजेशन में ही इंटरेस्ट है। क्योंकि जो आनंद आपने पाया है
वही आप चाहते कि सब पाए? सहज नहीं, अगर आपके पास रुपया पैसा है तो आप चाहते हैं कि रुपया पैसा खर्च करें, लोगों को खिला पिला। ऐसे ही रियलाइज सोल भी चाहेगा मन में कि दूसरों की भी जागृति करे और पार करे और कर सकते। अगर आपके अंदर लाइट आई है उसके लिए कसम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कस्तूरी का अगर सुगंध आ रहा है तो उसके लिए कोई आपको कसम लेकर कहने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे कस्तूरी का सुगंध। लेकिन कस्तूरी की खोज है किस, ये पहले अंदर सोच लीजिए, नहीं तो ऐसे चक्करों में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं।